ओके, हमने जो है YouTube और Gmail की आईडी तो क्रिएट कर ली है। अभी हमें जो है चैनल की ज़रूरत है, जिस तरह ये नीचे चैनल शो हो रहे हैं, जैसे कि साउंड ट्रैक है, मेड इन पाकिस्तान है, ये इसके बाद है इस तरह डिफरेंट ये स्पीड रिकॉर्ड, ये डिफरेंट चैनल हैं जो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है। हमने एक चैनल क्रिएट करना है तो उसके लिए हमने यहाँ पर आ जाना है अपनी प्रोफाइल पर। यहाँ पर क्लिक करोगे तो उसके बाद ये देखिए सेटिंग का बटन शो कर, आपने इस पर क्लिक कर देना है। सेटिंग के बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो कह रहा है क्रिएट अ न्यू चैनल। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो है न्यू चैनल क्रिएट कर लेना। वो कह रहा है चैनल का नेम आप क्या रखना चाहते हो, हम इसका जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप रख सकते हैं। हम अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हो तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से रख लो, अगर एजुकेशनल बना रहे हो तो इस हिसाब से जो भी आप चैनल का नाम रखना चाहते हो। जैसे कि हमने अपने चैनल का नाम यूनिक विजन एकेडमी रखा हुआ है, तो इस तरह आप कोई भी चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं जस्ट एंटरटेनमेंट, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर रख दें, वन स्टॉप, और यहाँ पे सॉल्यूशन। वन स्टॉप सॉल्यूशन, यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट चैनल कर देना है, तो वो चैनल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें वो कर एरर वाज कर प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, यहाँ पे एरर दे रहा है तो हम दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है चैनल क्रिएट हो गया। एरर इसलिए आया क्योंकि वो जो है नेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है, इसलिए वो एरर दे रहा है। तो अदरवाइज हमारे पास जो है चैनल क्रिएट हो चुका है। हम देख लेते हैं हुआ क्रिएट कि नहीं। दोबारा से सेटिंग के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे हमें शो कर रहा है वन स्टॉप सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से हमने चैनल क्रिएट कर लिया। फर्ज करें आपने चैनल क्रिएट कर लिया, इसका आप जो है नाम चेंज करना चाह रहे हैं, आपने कोई और नाम चेंज करना है इसका, तो यहाँ से हम एडिट ऑन गूगल करेंगे इसे। तो यहाँ से आप जो है आप नाम जो है चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए हमें यहाँ पे उसने एडिट की ऑप्शन दे दी है। यहाँ से आप अपने चैनल का नाम भी चेंज कर सकते हो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो। उसके बाद है यहाँ पे क्रिएट अ न्यू चैनल, व्यू एडिशनल फीचर से बताने से भी क्रिएट अ न्यू चैनल। क्रिएट हम न्यू चैनल पे करेंगे तो आप एक और चैनल भी क्रिएट कर सकते हो। आप जितने भी चैनल जो है क्रिएट करना चाहो वो आप एक ही ये जो है यूट्यूब की आईडी से जितने मर्जी आप जो है चैनल क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर हम करें आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, यहाँ पे जो है चैनल का हम नाम रखते हैं जस्ट एंटरटेनमेंट। तो ये हमने नाम रख दिया। उसके बाद हम इसको डन कर, आई एग्री कर लेना पहले आपने यहाँ से, और इसको हमने डन कर देना है। जैसे ही आप डन करोगे तो एक और जो है चैनल हमारे पास यूट्यूब पे क्रिएट हो जाएगा। अभी हम देख लेते हैं, ये हमें वहाँ पे रीडायरेक्ट करवाता है कि नहीं। तो ये देखें, ये भी उसने जो है चैनल ये क्रिएट कर दिया। यहाँ पे देखें वो जे शो होना आपको शुरू हो गया, क्योंकि ये हमने जस्ट से स्टार्ट किया था इसलिए वो जे शो कर रहा है। दोबारा वापस इसी चैनल में जाना तो इसी पे आप क्लिक करेंगे। अच्छा, अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है तो ये देखें यहाँ पे वो नीचे सेकंड चैनल आपका जो शो कर रहा है वन स्टॉप सॉल्यूशन, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको उसी चैनल पे वो रीडायरेक्ट करा देगा। ये हमारा जो है हमने चैनल क्रिएट किया था, इसको अब वहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया। अगर फर्ज करें आप चैनल को डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हम दोबारा प्रोफाइल पर क्लिक करें और यहाँ पर सेटिंग में आ जाएँ तो यहाँ पर वो नीचे आपको जो है शो कर रहा है व्यू सी माई ऑल चैनल्स आर क्रिएट न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो ये देखें ये हमारे दोनों चैनल यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ से अपने जिस चैनल पे भी आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो। ठीक है, दोबारा से सेटिंग में आ जाते हैं। ओके, मैं आपको बताने लगा था कि आपने चैनल को डिलीट कैसे करना है। और सेम वही आप सेटिंग में आ जाओ, यहाँ से सेटिंग के बटन पर क्लिक करोगे तो ये पेज आपके पास ओपन होगा। उसके बाद अब यहाँ जाना है एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद ये देखें यहाँ पे आपको डिलीट चैनल की ऑप्शन शो करा है। यहाँ पे आप जाके इसको अपने चैनल को डिलीट कर सकते हो जो आपने क्रिएट किया। ये आपकी यूज़र आईडी है, उसके बाद ये आपकी यूट्यूब चैनल आईडी ऊपर शो कर रहा है, ठीक है। कस्टम यूआरएल अभी आप चेंज नहीं कर सकते, जब आपके 100 सब्सक्राइबर होंगे तो तब आप इसकी कस्टम यूआरएल क्रिएट कर सकोगे।